राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभागद्वारे नई वस्ती टेका नागपूर येथे जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे आयोजन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभागचे अध्यक्ष शेख वसीम लाला यांच्याद्वारे करण्यात आले होते. यावेळी अनेक लोकांनी पार्टीत पक्षप्रवेशही केला. ऐसा है कि हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अल्पसंख्यक सिख के जो नागपुर शहर के जो अध्यक्ष है माननीय श्री जनाब वसीम लाला साहब, उनका इस अल्पसंख्यक विभाग का यहाँ पे इस एरिया में कार्यालय का यहाँ पे शुभारंभ हो रहा है. उनके साथ में हमारे मोहसिन की पैजा और बाकी हमारे सभी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के सहकारी सब इकट्ठा मिलके इन्होंने ये कार्यालय चालू किया है, जिसके जरिए जो भी कुछ समस्याएं रहेंगी यहाँ के लोग बताएंगे, उसका हल करने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा होगा. एक अच्छा एक ये कार्यालय खुलने से इस एरिया में लोगों को उनके काम में जो भी दिक्कत है वो सुलझाने के लिए अच्छी मदद होगी. उसी प्रकार आज इस मौके पे हमारे साथ में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब भी यहाँ पे उपस्थित है. हमारे जरिए आज यहाँ पे कुछ प्रवेश भी राष्ट्रवादी कांग्रेस में हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है. उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ. मेरा परिचय, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग नागपुर शहर जिला अध्यक्ष शेख वसीम लाला. आज यहाँ पर पक्ष कार्य प्रवेश वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग का नागपुर शहर जनसंपर्क कार्यालय आज़ाद नगर नई बस्ती टेका में खुले है, जिसका उद्घाटन हमारे माजी गृह मंत्री अनिल बाबू देशमुख साहब ने किया है. आज यहाँ पर प्रमुख उपस्थिति में महाराष्ट्र प्रदेश के वरिष्ठ नेता हमारे माननीय शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव माननीय रमेश जी फुले साहब, महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव श्रीमती वर्षाताई शामकुड़े, उसी तरह से आज उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष महेंद्र जी भांगे, उत्तर नागपुर के कार्य अध्यक्ष सुनील जी लांजेवार, और शहर महिला अध्यक्ष कृपाले ताई, और कामगार के अध्यक्ष हमारे जाकिर भाई शेख ये और सैयद सूफियात सभी यहाँ पर आज प्रमुख उपस्थित हैं.